हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की तरफ से टोटल 66 वैकेंसी आई है, जिसमें डिप्लोमा 3 ईयर मांगा गया है और बीएससी मांगा गया है। फ्रेंड्स, अगर आप नए हो, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा लीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। इसमें जो पोस्ट टेक्नीशियन ट्रेन के लिए आया है मैकेनिकल, इसमें फुल टाइम रेगुलर 3 ईयर डिप्लोमा मांगा गया मैकेनिकल में, और उसके साथ में 1 साल की ट्रेनिंग बोट अंडर अप्रेंटिसशिप। और इसका पे स्केल जो है 22,000 से 60,000 है, और इसकी कुल वैकेंसी मैकेनिकल के लिए 38। और इसमें टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल ट्रेन के लिए क्वालिफिकेशन फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, 1 ईयर ट्रेनिंग बोट अंडर अप्रेंटिसशिप। और इसमें मिनिमम परसेंटेज 55% और एसटीएससी के लिए 50% है। और इसमें एज लिमिट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 29 और एसटीएससी के लिए 34 ईयर, ओबीसी कैटेगरी के लिए 32 ईयर। और फ्रेंड्स, इसमें पे स्केल 22,000 से 60,000 है और वैकेंसी 16 है। और फ्रेंड्स, टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंट ट्रेन के लिए क्वालिफिकेशन बीएससी फिजिक्स डिग्री विद केमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट ड्यूरिंग एनी ऑफ दी 3 ईयर कोर्स ऑफ बीएससी डिग्री। और इसमें जो है एनसीवीटी ट्रेनिंग एग्जामिनेशन पास आउट मांगा गया है, जिसमें इंस्ट्रूमेंट मशीन ट्रेड से। इसका पे स्केल 22,000 से 60,000 है, और इसमें मिनिमम परसेंटेज 55 मांगा गया है, और इस एज लिमिट जो है एसटीएससी के लिए 32 ईयर, ओबीसी के लिए 32 और एसटीएससी के लिए 34 ईयर और 29 वर्ष ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। और इसमें इसमें एप्लीकेशन फीस 700 रुपये है, जिसमें जर्नल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है। और इसमें जो एसटीएसटी पीडब्ल्यूबीडी और एक्स सर्विसमैन और फीमेल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए फीस रिक्वायर्ड नहीं है। और फ्रेंड्स, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस जो है, पहले ऑनलाइन टेस्ट होगा, फिर उसके बाद ट्रेड टेस्ट होगा। और इसकी लास्ट डेट फ्रेंड्स 16 फरवरी 2023 5 बजे तक है। फ्रेंड्स, इसमें बहुत ही कम समय बचा है, और फ्रेंड्स इसको ज़रूर फिल कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।